الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين

प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स के नाजरीन एक बार फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम लाइफ ऑफ मोहम्मद में खुश कहते हैं वेलकम कहते हैं एक दफा बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि प्यारे बच्चों हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद जी हाँ लाइफ ऑफ मोहम्मद वसल्लम नाम सही वाज है हम आपको बयान करेंगे नबी पाक पाकली सलातुसम की प्यारी प्यारी मुबारक जिंदगी के बारे में कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपने तोज्जो के साथ उसको सुनना है और कहीं नहीं जाना शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ शामिल रहना है इनशा अज़ीज़ आपकी नॉलेज में खूब खूब इजाफा होगा प्यारे बच्चों आपको पता है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या बयान करते हैं दुरुद पाक की एक फजीलत को तो आइए अपने मामूल के मुताबिक दुरुद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं अल्लाह पाक के आख़री नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल अल्लाम ने इर्शाद फरमाया कि जिसने किताब में मुझ पर दुरुद पाक लिखा क्या किया जिसने किताब में मुझ पर दूरी पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें लिखा रहेगा फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फार यानी बख्शिश व मगफरत की दुआ करते रहेंगे अल्लाह सुबहान अल्लाह दुरूद पाक पढ़ने की भी बड़ी बरकतें हैं और दुरूद पाक लिखने की भी बड़ी बरकतें हैं अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की भी और लिखने की भी तौफीक अता फरमाए आइए मिलकर दुरूद पढ़ते हैं पढ़िए सल हबीबल आला मोहम्मद वसल् वबारक वसलम दुरूद पाक के फजीलत के बाद आइए प्यारे बच्चों अपने अगले सेगमेंट की जानब चलते हैं और उस सेगमेंट का नाम है कलाम और हमारे साथ शामिल हैं किड्स मदरी चैनल के बहुत ही प्यारे फेजान अत्तारी, फेजान अत्तारी भाई की जानब चलते हैं और इनसे कलाम चुनते हैं जी फैजान भाई Rasulullah Allah sallallahi alayhi ya Habibullah Medina se DNS You see, but है जमाना जमाना उनका सदका खा रहा है जमाना उनका सदका खा रहा

मुझे मुझे पहले, पहले जा, जा रहा है। सुहान सुहान क्या ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही प्यारे अंदाज से भाई ने पढ़ा फैजानबील पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फ़रमाए और हम सब को नबी पाकली सलाम का सच्चा पक्का इश्क अता फ़रमाए आमीन नबी बिजाखिन नबीम जी प्यारे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानेब जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी प्यारे प्यारे बच्चों सेगमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु वबारक वसल्लम सन आठ हिजरी के अंदर फतेह मक्का हुआ था कौन सी हिजरी में हुआ था फते मक्का हुआ यानी फते हुआ था। जी तो सन आठ हिजरी में क्या हुआ था फतेह मक्का क्या हुआ था फत्हे मक्का. फत्हे मक्का।, फत्हे मक्का, क्या मतलब है? मक्का शरीफ फतेह हुआ था अब उसका क्या वाक्य है और फिर ये किस तरह हुआ था क्या मामला थे आइए आपको बयान करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों अगर हम आठ साल पहले चले जाए तो यही मक्का शरीफ था और यानी फतेह मक्का से आठ साल पहले अगर चले जाएं तो यही मक्का शरीफ था और इस शहर से हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु मुस्तफ़ी सल्लाम ने अपने यार, गार, यार मजार मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैदुना अबू बकरीक़ रद्लों के साथ रात के अंधेरे में हिजरत फरमाई थी हुँ? वो पूरा हिजरत का एक वाक़ा है हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी हिजरत मुस्तफ़ा जो है वो बयान कर चुके किस तरह वो हिजरत हुई थी तो वो रात के हिस्से के अंदर नबी पाक इस्लाम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत फरमाई थी और जब नबी पाक अली सलाम मक् से मदीने जा रहे थे ना तो प्यारे बच्चों नबी पाक मक्के से इतनी मोहब्बत फरमाते थे उ, अपने शहर से अपने सिटी से इतनी उनको मोहब्बत थी इतना प्यार था कि उस मक्के को छोड़ते वक्त नबी पाक इस्लाम के पता है क्या अल्फाज थे आका करीम इस्लाम ने इर्शाद फरमाया कि ए मक्का खुदा की कसम तू मेरी प्यारी और मोहब्बत भरी निगाह में तमाम दुनिया के शहरों से ज़्यादा प्यारा है सारी दुनिया में मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ ये जमीन मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है अगर मेरी कॉम मुझे ना निकालती तो मैं हरगिज़ तुझे ना छोड़ता अब कौम ने निकलने पर मजबूर कर दिया था कि कौम जो थी गुफारैश थे नॉन मुस्लिम्स थे वो मुसलमानों को इतनी तकलीफ देते इतना तंग करते आखिरकार मुसलमानों ने मक्के को छोड़कर मदीने जाने का फ़ैसला कर लिया और फिर जब रब की तरफ से हुक्म आया कि अब आप हिजरत कर जाएँ तो नबी पाक अली सलाम ने अपने साहब कराम के साथ मक् से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई लेकिन जाते वक्त अपनी महब्बत का इजहार कर रहे हैं कि ए सर ज़मीन मक्तर मुझे मेरी कॉम न निकालती तो मैं तुझसे कभी नहीं जाता उससे मुझे इतनी मोहब्बत है रुए ज़मीन में मैं सबसे ज़्यादा ये ज़मीन मुझे प्यारी है सुबह अल्लाह और फिर जब आठ साल गुजरते हैं यानी मक्के से मदीने चले गए और फिर वहाँ से वापस आपको मक्के आने भी नहीं दिया जा रहा लोग आपको जो है वो परेशान कर रहे हैं आप उम्र अदा करने के लिए आना चाह रहे हैं लेकिन आपको कुफार और नॉन मुस्लिम्स रोक रहे हैं और महदे कर रहे हैं कि आप नहीं आ सकते अगले साल उम्र के लिए आ सकते हैं अब आठ साल जब गुजर गए इस मक्के को छोड़े हुए तो नबी पाक अली सलाम आठ साल के बाद फातह बनकर मक् मुकरमा में कामयाब होकर एक बादशाह की हैसियत से इस शहर मक्का में तशरीफ लेकर आते हैं लेकिन प्यारे बच्चों छः हिजरी में सुलह उदैबिया हुई थी और हमने सुलह उदैबिया के बारे में भी आपको बयान किया कि सुलह उदैबिया हुई उसमें क्या क्या माह हुआ क्या क्या एग्रीमेंट हुए थे और उसमें ये लिखा था कि दस साल तक मुसलमानों और मक् शरीफ के नॉन मुस्लिम्स के दरमियान जंग नहीं होगी दस साल तक मुसलमान और जो नॉन मुस्लिम हैं वापस में जंग नहीं करेंगे लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ क्या ऐसा मामला हुआ कि सिर्फ दो साल के बाद ही ये नबी पाक अली पाकली वसलाम के सामने मक्का शरीफ के नॉन मुस्लिम्स हार मान गए अभी जो ये जो हुदैबिया का मामला था और जो भी एग्रीमेंट हुए थे ये दो साल पहले ही हुए थे क्योंकि इससे दो साल पहले नबी पाक सलाम उम्रा अदा करने के लिए जब जा रहे थे लोग उन लोगों ने रोका था फिर सुलह हुदैबिया हुई थी और उसमें चंद शराइ के ऊपर एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो साइन हुआ था उसमें ये एक शर्त यह भी थी कि आप अगले साल आकर उम्रा करेंगे अभी आप उम्र नहीं कर सकते और ये भी थी कि दस साल तक अब मुसलमान नॉन मुस्लिम्स आपस में जंग नहीं करेंगे लेकिन इस एग्रीमेंट के दो साल के बाद ही ऐसा क्या हुआ कि वो लोग जो है वो हार मान गए हुआ ये कि प्यारे प्यारे बच्चों और फिर नबी पाक इस्लाम मक्का शरीफ में जो है वो फाते बनकर तशरीफ़ लाते हैं और आप और साहब कराम उसमें कामयाबी के साथ दाखिल होते हैं तो ऐसा इसलिए हुआ कि हदैैबिया में जो एग्रीमेंट हुआ था वो मक्का शरीफ के नॉन मुस्लिम ने खुद ही तोड़ा मुसलमानों ने नहीं तोड़ा था दस साल तक जंग बंदी रहेगी दस साल तक जंग नहीं करेंगे इस चीज़ को उन्होंने खुद तोड़ा और इसमें एक कंडीशन ये थी कि अरब शरीफ के जितने कबीले हैं जो मक्का शरीफ के नॉन मुस्लिम क्रेश के साथ एग्रीमेंट करना चाहें वो कर लें और जो नबी पाक और इस्लाम के साथ एग्रीमेंट करना चाहें वो इनके साथ कर सकते हैं यानी जो कुफ़ार के साथ एग्रीमेंट करना चाहें उनके साथ भी कर सकते हैं और जो नबी पाक इस्लाम के साथ जो है वो करना चाहते हैं एग्रीमेंट वो कर लें कोई हरज की बात नहीं है तो कबीले बनी बकर ने क्रेश के साथ एग्रीमेंट किया और कबीले बनी ख़जा ने नबी पाक अली सलातुस के साथ एग्रीमेंट किया असल में आपस में इन दोनों की लड़ाई थी एक दूसरे में आपस में एक दूसरे की लड़ाई थी एक ने एग्रीमेंट कर लिया दूसरे के साथ और दूसरे ने एग्रीमेंट किया नबी पाक इस्लाम के साथ अब जब इन्होंने यूं कर लिया और ये दोनों कबीले मक्का शरीफ के करीब में ही रहते थे और इनकी बहुत पुरानी जंग चला करती थी तो हुआ कुछ कि कबीले बनी बकर ने मक्का शरीफ के नॉन मुस्लिम के साथ मिलकर कबीले बनी खजा के लोगों पर अटैक किया और उनका जानी नुकसान हो गया क्योंकि थे तो एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे से लड़ते थे अब वो एक ने दूसरे से एग्रीमेंट कर दिया दूसरे ने दूसरे से एग्रीमेंट कर लिया उनको और जो है वो अब वो हो गया कि भाई ये क्या मामला हो गया तो इन्होंने जो है वो एक दूसरे के साथ मिल मिलाकर दूसरे एक कबीले ने दूसरे कबीले के ऊपर क्या कर दिया हमला कर दिया अटैक कर दिया और उससे दूसरा जो कबीला था उनका जानव नुकसान हो गया उनके कई बंदे फौत हो गए तो अब जो है वो ये मसला हो गया और यूं उन्होंने मुसलमानों के साथ जो माहदा किया था कि दस साल तक कोई जंग नहीं होगी ये खुद खुद ब खुद उन्होंने महदे को तोड़ दिया और इस एग्रीमेंट को उन्होंने खुद तोड़ा और फिर कबीले बनी ख़जा के लोग नबी पाक सलाम की बारगाह में मदद के लिए पहुँचे तो इस वाक़े से मक् शरीफ की फतह की स्टार्टिंग हुई कि तो भई अब हक्े को फतेह करने की तरफ़ जाएंगे क्योंकि ये जंग तो उन्होंने खुद शुरू कर दी है तो अब हम खुद अपना स्टेप बढ़ाएंगे और फिर हम मक्का शरीफ़ को फतह करेंगे फिर मक्का शरीफ को किस तरह मुसलमानों ने फतह किया और फिर नबी इस्लाम किस तरह मक्के के अंदर फतेह बनकर आते हैं और मक्के की जो जंग थी वो फिर जंग हुई नहीं थी ये आगे चलकर हम आपको बयान करेंगे पूरा तफसीली वाक़ के गए तो मक्के को फतेह करने के लिए थे वहाँ जंग के इरादे से गए थे लेकिन वो जंग हो नहीं सकी थी और फिर वो उन लोगों ने बैक स्टेप ले लिया था फिर सारे कुफार नबी पाक इस्लाम के सामने किस तरह खड़े हुए थे और नबी पा इस्लाम ने वहाँ एक आम माफ़ी का ऐलान किया और वो पूरा क्या वाक़ है तफ़ील के साथ आपको इन अपने अगले अपिसोड्स के अंदर बयान करेंगे अभी हमारा ये सैगमेंट अपने खिता को पहुँचा तो बढ़ते प्यारे बच्चों अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सैगमेंट की जानब जिसका नाम है आका सल्लाम के वसल्लम के जिंदगी प्यारे बच्चों और किस मन चैनल के नाजरीन इस सेगमेंट में हम सुनते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें और प्यारे बच्चों आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक आदत के बारे में सुनेंगे वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी मजलिस में किसी की तरफ पांव फैलाकर नहीं बैठते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने घर वालों की तरफ पांव फैलाकर बैठते थे ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की तरफ पांव फैलाकर बैठते प्यारे बच्चों किसी महफिल में या उस्ताद टीचर या मेहमान के साथ इस तरह बैठना अच्छा नहीं समझा जाता और इसे मैनज के खिलाफ समझा जाता है प्यारे बच्चों आए मैं आपको हजरत इमाम अबू अबूा रही का एक फरमान सुनाता हूँ आप फरमाते हैं मैंने कभी अपने उस्ताद मोहतरम यानी टीचर हजरत हमाद रहमत लाला के मकान की तरफ पाँव नहीं पहलाए। उनकी रिस्पेक्ट की वजह से उस्ताद साहब रमतल के घर और मेरे घर में कुछ गलियों का डिस्टेंस होने के बावजूद मैंने कभी उधर पाँव नहीं फैला तो प्यारे बच्चों हमें इस आदत को अपनाना चाहिए कभी भी किसी की तरफ पाँव ना फैलाएं अल्लाह पाक हमें प्यारे अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदतों को अपनाने वाला बनाए आमीन जी प्यारे प्यारे बच्चों आपने बहुत ही प्यारी बातें सुनी और ये हमारे मैनर्स के मुताबिक बातें हैं और आदाब के हिसाब से ये बहुत अच्छी बातें इन पर हमें अमल करना चाहिए आप देखें कि आजकल कल बेदबी का दौर दौरा है ठीक है लोग एक दूसरे का अदब और ख्याल और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते नहीं ठीक है और जो बच्चे हैं वो बड़ों की इज्जत करें बड़े बच्चों पर शफकत करें अब आपने अभी जो आपका क्या नाम है मोहम्मद एहतिशाम मोहम्मद एहतिशाम और आपका नाम क्या है मोहम्मद हसान एहतिशाम भाई और हसान भाई ने कितनी प्यारी आपको बातें बयान की हैं कि अपने उस्ताद की तरफ पाऊँ फैला कर नहीं बैठना आपके टीचर है उनकी तरफ पाऊँ फैला कर नहीं बैठना आपके पेरेंट्स हैं आपकी अम्मी हैं आपके अबू हैं आपके बड़े भाई हैं अब होता है क्या है कि एक कमरे के अंदर हम बैठे हुए ठीक है तकिए पर टेक लगा के बैठे हुए और पाँव जो है वो वाली साहब की तरफ जा रहे हैं तो ये अदब के ख़िलाफ़ इसको समझा जाता है देखें ये कोई नजायज़ या हराम का इसके ऊपर कोई फतवा नहीं है लेकिन अदब के ख़िलाफ़ ये बात समझी जाती है कि आपके वालिद हों आपकी वालदा हों आपके बड़े भाई हों आप उनकी तरफ़ पाँव करके बैठे हुए हैं अच्छा इसी तरह जो है वो आपके टीचर हों उनके तरफ आपने पाँव किए हुए हैं केबिला रूब बाज़ लोग जो है वो पाँव करके बैठे होते हैं उनको समझ में नहीं आती तो इस चीज़ में आपको जो है वो मोहतात होना चाहिए और कहीं पर भी आप जाएं तो जाकर आप पहले मालूम कर लें कि किबला किस तरफ है क्योंकि कई दफ़ा हम लोगों ने देखा है कि अगर कहीं होटल पर जाते हैं वहाँ अगर तख्ते के ऊपर बैठे हैं तो जो है ना वो पाँव अपने हिसाब से फैला लेते हैं और हो सकता है कि वहाँ किबला तो मालूम कर लें किसी से कोई किबला किस तरफ है कि जिस तरफ आपने पाँव फैलाए हैं उस तरफ किबला तो नहीं है किसी यहाँ मेहमान गए हैं अगर आप थोड़ा रेस्ट के लिए आपने पाँव फैलाएं तो पूछ लें भी किबला किस तरफ है ताकि बेअदबी वाला कोई मामला ना हो सके ठीक है अल्लाह तबारक तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए इसी तरह एक बस में ये आखिरी बात कर दूँ कि बाज़ हम कुर्सी पर चेयर पर बैठे होते हैं ना उसमें भी ख्याल करना चाहिए उसमें भी बैठने के आदाब हैं कि किस तरह बैठना है बाज़ अवत क्या होता है कि ये एक टांग दूसरी टांग के ऊपर यूँ करके रख कर बैठते हैं ठीक है अब जब आपने यूं करके रख के बैठी ना बराबर में कुर्सी के ऊपर बंदा बैठा हुआ है अब आप पाँव हिला भी रहे हैं एक तो हिलाना यूँ कुर्सी के ऊपर बैठ कर पाँव हिलाना भी अच्छी बात नहीं अब ये पाँव हिला रहे हैं एक टांग आपने यूँ करके रखी हुई है पर्दे में पर्दे के मसाज अलग हैं दूसरा ये कि वो टांग जो है वो बराबर वाले बंदे को टकरा भी रही है इसी तरह बाज़ों का इस तरह होता है कि कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं कुछ लोग कुर्सी के कुर्सी से नीचे बैठे हैं अब आप टांग यूँ करके अगर यूँ को ऊपर करके रखेंगे तो बाज़ों का सामने वाले के मुँह की तरफ पाँव जा रहा होता है तो इस चीज़ के अंदर भी एहतियात करनी चाहिए ये हमारे दीन इस्लाम ने हमें बड़ी प्यारी तालीमत दी अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तोफी करमाएल्म आइए प्यारे बच्चों अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सैगमेंट की जानव जिसका नाम है सुन्नत की किरने। सुन्नत की किरने सेगमेंट है आइए इसकी जानब चलते हैं जी प्यारे प्यारे बच्चों सेगमेंट है सुन्नत की रने और इसमेंट में हम आपको आज जिस सुन्नत के बारे में बताएंगे वो सुन्नत है बकरी का दूध पीना और उसका गोश्त खाना हाँ ये भी सुन्नत है बकरी का दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है और उसका गोश्त खाना।, खाना ये भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है प्यारे प्यारे बच्चों ये नबी पाक अली पाकली सलातम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है और बकरी अगर देखें तो ये बहुत ही प्यारा जानवर है अभी बकरीद के ऊपर बहुत से बच्चों ने जो है वो बकरियाँ कुर्बान भी की होंगी अल्लाह पाक की राह के अंदर और बकरियों को बहुत से लोग पालते भी अपने घर के अंदर घरों के अंदर उन्होंने पाली हुई होती है और बकरी जो है ना ये बहुत ही प्यारा जानवर होता है बकरी हो बकरा हो बहुत ही प्यारा जानवर होता है और नबी पाक अली सलात वसलाम जो है वो भी इस जानवर से बड़ा प्यार फरमाया करते थे बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे बल्कि आपने तो रिवायतों के अंदर यहाँ तक फरमाया जिसका मफह कुछ इस तरह है कि बकरी जो है ना बकरी उसके ऊपर से मिट्टी को झाड़ दिया करो अगर कहीं मिट्टी उसके ऊपर नजर आ रही है तो उसको झाड़ दिया करो अल्लाह इसका भी आपको सवाब अदा फरमाएगा तो इसके साथ रहम करने का इससे नरम दिली करने का इससे प्यार करने का ये हमें जहन दिया गया है और शफकत करने का जहन दिया गया है और इसके अंदर अल्लाह पाक ने बहुत से फ़ायदे रखे हैं इसका दूध हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है इसके गोश्त के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं तो प्यारे बच्चों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की नीत से बकरी का गोश्त भी खाना चाहिए और दूध भी पीना चाहिए अल्लाह तबारा को ताला हम सब को इस सुनत पर अमल करने की भी तो़ीकत अता फ़रमाए आमीन बिजाबी अमीन सल्ला वसल्लम प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानब जिसका नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल अल्फाज मोती हैं जवाब अनमोल है एक्टिविटी वाला सेगमेंट है आइए इसकी जानब चलते हैं जी प्यारे प्यारे बच्चों सेगमेंट का नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल अल्फाज मोती हैं जवाब अनमोल है करना यह है कि यहाँ पर आपको दो बोर्ड्स नजर आ रहे हैं एक वाइट बोर्ड है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और दूसरा बोर्ड वो है कि जिस पर अल्फाज लिखे हुए लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको जी बॉक्स के अंदर अल्फाज लिखे हुए इन अल्फाज में से आपने अल्फाज को सिलेक्ट करना है और अल्फाज जोड़ जोड़ के आपने एक जुमला कम्प्लीट करना है एक मदनी फूल कम्पलीट हो जाएगा और उसके बाद मारकर हम आपको देंगे आपने व्हाइट बोर्ड पर लिख देना है हो जाएगा? जी मुश्किल तो नहीं नहीं है पर बच्चे इनको टीम भी भी कर, नहीं। कर लेते हैं तो ए पहले ए ही आता है ना तो चलते हैं टीम ए के जाने पर देखते हैं कि टीम ए से कौन से बच्चे आएंगे हाथ उठाएं देखते हैं कौन कौन से आएंगे आप है माशाल्लाह आपने आज कुछ प्यारी प्यारी बातें भी बयान की है आपके है जी अपना नाम बताएंगे आप मोहम्मद हसान मोहम्मद हसान हसान भी कर लेंगे आप इंशाल्लाह इंशाला, इंशाला। चलें, फिर मारे कर हम मार आपको दे रहे हैं और व्हाइट बोर्ड के पास आप पहुंचेंगे और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब हम्म दुआ के बारे में कुछ बात हो रही है हसन भाई हम काउंट शुरू कर लेते हैं लेकिन माशाल्लाह आपने कंप्लीट कर ही लिया है माशाल्लाह सन भाई यहाँ आएंगे और उसके बाद चलें माइक में आप बताएंगे कि ये क्या आपने लिखा है दुआ मांगना सुन्नत है हम्म दुआ मांगना सुन्नत है यहाँ ये यह अल्फाज कहाँ लिखे हैं ये आप मेंशन करेंगे दुआ दुआ और मांगना मांगना सुन्नत है हम्म दुआ मांगना सुन्नत है हसान भाई आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह हाँ। अपनी जगह पर आप तश् रखेंगे और दुआ मांगनी चाहिए मुखुल इबादा नबी पाक वसल्लम का ये फरमान है कि दुआ इबादत का मगज है मगज़ है मगज देखा है मगज किसको बोलते हैं ब्रेन ब्रेन दिमाग तो यह एक मिसाल के तौर पर बताया गया कि दिमाग जो है ना वो इंसानी बॉडी का एक बहुत अहम पार्ट होता है तो कहा कि दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है इतनी अहम चीज़ है और हमारे यहाँ लोग इससे उतार रहे होते हैं परेशान हो रहे होते हैं थोड़ी सी दुआ लंबी हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं तो दुआ जो है वो अल्लाह पाक से सच्चे दिल से मांगनी चाहिए ठीक है बढ़ते हैं टीम बी की जानेब और देखते हैं कि टीम बी से कौन से बच्चे आएंगे ज़रा अपने हाथ को बुलंद करेंगे कौन से बच्चे आना चाहेंगे चलें आप आएँ माइक आपको देंगे हम पहले नाम बताएं अपना अब्दुल 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 कादिर 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 भाई कर लेंगे इन्शाल्ला। जी मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे पिछली दफा आप आए थे तो आप हमारी एक्टिविटी में भी शामिल हुए थे और हमने पूछा था कि ही इसका नाम है याद आ रहा है आपको जी। और आपने क्या जवाब दिया किसका नाम है पीरों के पीर हजरत आजम हुजूर गौस पाक का नाम है करेंगे जी माइक आप मुझे दें और मारकर हम आपको देंगे और उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है अब देखते हैं कि अब्दुल कादिर भाई कौन सा जुमला कंप्लीट करते हैं टीम बी वालों को क्या लगता है हो जाएगा टीम ए वालों ने तो कर दिया अब देख लेते हैं कि टीम बी वाले जो है वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं हमारे साथ चूँकि बच्चे शामिल होते हैं तो हमेशा ही हम आपसे कहते हैं कि अगर राइटिंग के हवाले से कहीं कोई मिस्टेक रह जाए कुछ राइटिंग में कोई मसला रह जाए तो हमें माफ़ फरमा दिया करें देखते हैं कि अब्दुल कादिर भाई बड़ी तेज़ी के साथ मुझे लगता है कुछ सोच कर आए थे और बड़ी तेज़ी से लिख रहे हैं अब्दुल कादिर भाई कर लिया मुझे लगता है उम्मीद है चलें थोड़ा सा कोशिश करें कि हम बड़ा बड़ा अगर लिखने की कोशिश किया करें तो जो किड्स मदनी चैनल पर बच्चे देख रहे हैं वो भी बड़ी आसानी से इसको पढ़ने में कामयाब होंगे चलें कंप्लीट कर लिया आपने यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और मुझे आप देंगे मार्कर और उसके बाद बताएंगे कि क्या जुमला आपने कंप्लीट किया है किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए बात बिल्कुल आपकी जो है वो दुरुस्त है और यहाँ ये यह अल्फाज कहाँ लिखे हैं तो ये दिखा दीजिएगा किसी का, का का दिल, दिल नहीं नहीं दुखाना दुखाना चाहिए जी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए अब्दुल कादिर भाई आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह और आपने जवाब दुरुस्त दिया है इससे आपकी टीम का भी दिल नहीं दुखा होगा और आपकी टीम को भी खुशी हासिल हुई होगी तश्वीर रखें अल्लाह पाक आपको बरकतेंदा फरमाए तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और जब किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए तो माँ बाप की कितनी बुलंद बुलंदोबाल शान है उनका दिल तो बदरजा औला हमें नहीं दुखाना चाहिए और बढ़ कर उनका ख्याल रखना चाहिए एक आम बंदे का दिल नहीं दुखाना तो माँ बाप का दिल नहीं दुखाना अपने उस्ताद साहब का दिल नहीं दुखाना अपने बड़े भाई का दिल नहीं दुखाना किसी का भी आप कोशिश ये करें कि हमारी वजह अगर देखें ये को अपना जिंदगी का उसूल बना लें अगर हम किसी को खुश नहीं कर सकते ना तो कम अज कम किसी को खमगिन भी ना करें अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं ना तो किसी को परेशान भी ना करें है ना कम अज कम अगर इस दर्जे पर भी आ जाए तो अच्छा हो जाएगा अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक तोफ़ीक फ़रमाए आमी बिजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो प्यारे प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें आप कुछ प्यारी प्यारी बातें सीख रहे थे और हम आपको बयान कर रहे थे उम्मीद है आपकी नॉलेज में

का मदनी चैनल आ गया का आ गया आ गया